आर्य समाज चौराहे पर विद्यार्थी परिषद ओबरा नगर इकाई द्वारा शाहरुख का पुतला फूंका गया। अभिषेक अग्रहरी ने बताया कि झारखंड में बीते दिनों एक जिहादी मनचले ने एक मासूम को जिंदा पेट्रोल डालकर इसलिए जला दिया क्योंकि मासूम लड़की ने जिहादी के इजहार को नाकार दिया था। यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है। वहीं झारखंड सरकार धर्म के आधार पर इंसाफ में भेदभाव कर रही है। परिवार ने पहले शिकायत की थी लेकिन सरकार का समुदाय विशेष से लगाव है इसलिए इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अगर उस पर कार्यवाही की होती तो आज बहन अंकिता हम सबके बीच जिंदा होती। वहीं नगर मंत्री शिखर सोनी ने बताया कि ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सौरभ सिंह, पंकज एस एफ डी जिला संयोजक अनमोल सेठ, अनिकेत सिंह मूरत, लड्डू पासवान, ऋषभ राज, अंशु पटेल, कृष केसरी, कृष्णा अग्निहरि, अंशु पटेल, प्रियांशु पाठक इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंकिता बहन हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। अंकिता बहन हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। यहाँ दिया की क्या दवाई, टूटा चप्पल और पिटाई। यहाँ दिया की क्या दवाई, टूटा चप्पल और पिटाई। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होकर शाहरुख पठान का पुतला दहन किया। शाहरुख पठान ने झारखंड में अंकिता बहन को प्यार के जाल में फंसाना चाहता था, लव जिहाद करना चाहता था, जिससे वह इनकार कर दी और उन पर शाहरुख पठान के द्वारा पेट्रोल छिड़क कर जलाने का कार्य किया गया। और हम झारखंड सरकार एवं अपने केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए और जो झारखंड सरकार के द्वारा धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, अन्यथा इसके लिए हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।